हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, इनमें उनको फोटो कैसा देना है, फोटो और सिग्नेचर कैसा लगेगा इसमें, नहीं तो एक मिस्टेक के कारण आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि फोटो इसमें कैसा देना है और सिग्नेचर कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉर्म में, बीएसएससी फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर कैसा लगाना है। दोस्तों मैंने इसका हाउ टू अप्लाई वाला विज्ञापन में इसमें इंस्ट्रक्शन निकाला है कि इस फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसा लगेगा फोटो, किस क्वालिटी का फोटो देना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दोस्तों दिया गया है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अपलोड ए हाई क्वालिटी कलर्ड फोटोग्राफ। इसमें आपको रंगीन फोटोग्राफ देना है जो कि हाई क्वालिटी में होना चाहिए। जो दोस्तों इसमें फोटो लगेगा वो रिसेंटली होना चाहिए, हाल ही का खींचा हुआ फोटो लगेगा। दोस्तों इसमें फोटो का साइज भी मेंशन किया गया है, इस साइज का देना है। दोस्तों इसमें 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर साइज वाला फोटो आपको इसमें लगाना है, जो कि चौड़ाई में 3.5 सेंटीमीटर रहेगा और हाइट में 4.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों पासपोर्ट साइज का फोटो है, आप जो भी स्टूडियो में जाकर बनवाइएगा तो पासपोर्ट साइज का फोटो इसी फ्रेम में बनाकर आपको दे देंगे। दोस्तों इसमें और भी ध्यान देने वाली बात है, दोस्तों इसमें जो भी आप बैकग्राउंड यूज कीजिएगा फोटो का, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हल्का कलर में होना चाहिए या व्हाइट में होना चाहिए। दोस्तों इसमें फोटो का जो भी फॉर्मेट है वो जेपीजी में रहेगा। फोटो का साइज दोस्तों 20 KB से 50 KB के अंदर रखना है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए बैकग्राउंड के बारे में, यहाँ लिखा गया है बैकग्राउंड ऑफ फोटो व्हाइट या लाइट कलर। दोस्तों व्हाइट बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं या हल्का कलर कोई भी बैकग्राउंड में आप दे सकते हैं फोटो के। दोस्तों जो इसमें फोटो आप खिंचवाएंगे इसमें आपका 80% आपका फेस क्लियर दिखाई देना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड होगा। दोस्तों इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके जब फोटो खिंचवाएंगे तो आप क्या क्या आपको चेहरे के साथ आपको दिखाई देना चाहिए। दोस्तों जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो आपके चेहरे में क्या क्या साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। माथा, आंख, नाक और ठुड्डी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसमें दोस्तों विशेषताओं को सिर के बालों, किसी कपड़े या नकाबे, किसी छह से नहीं ढकना है, आपका चेहरा स्पष्ट क्लियर दिखाई देना चाहिए। इसमें दोस्तों फोटो में दोनों कान दिखाई देना चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से आपका कान दोनों देखना चाहिए। आपको फोटो खिंचवाते समय किसी कैप या टोपी का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों अगर आप चश्मा लगाते हैं और हमें चश्मा लगाकर ही फोटो आप खिंचवाना चाहते हैं, इसमें फॉर्म में देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका जो भी फोटो लगेगा चश्मे वाला उसमें आपका आँख क्लियर दिखाई देना चाहिए और कोई भी इसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, और नहीं तो आप चश्मा उतार दीजिएगा। कुछ दोस्तों यहाँ सैंपल दिया गया है किस प्रकार आपको फोटो इसमें लगेगा जो एक्सेप्ट हो सकता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में दिया गया है, ये चारों तरफ से चेहरा आपका पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों कान भी दिखाई दे रहा है, ठुड्डी भी दिखाई दे रहा है, और इसमें भी दोस्तों ये देखिए चश्मा भी लगा हुआ है तभी इनका आँख दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। इस प्रकार से आपको यहाँ फोटो देना है। कुछ दोस्तों इस प्रकार यहाँ दिया गया फोटो जो नॉट एक्सेप्टेबल है, यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिग्नेचर कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे लगाना है, कौन से पेन से लिखना है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ दिया गया है टेक एन A4 व्हाइट पेपर, पेपर उजला होना चाहिए, उसी पर आपको सिग्नेचर करना है। इसका भी दोस्तों साइज दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, हाइट इसका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। और भी दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप दूसरे से सिग्नेचर करा के इसमें फॉर्म में डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अगर सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी सिग्नेचर करना है आप स्मॉल लेटर में ही करेंगे। इसका भी दोस्तों फॉर्मेट साइज जेपीजी रहेगा। दोस्तों इसमें साइज 10 KB से 50 KB के बीच आप रख सकते हैं। दोस्तों सिग्नेचर करने में जो आप पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें गहरे नीले रंग के पेन या ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं, रेड या ग्रीन कलर का आप सिग्नेचर यूज नहीं कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर 80% एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। यहाँ दोस्तों कुछ सिंपल दिया गया है कि कौन सा सिग्नेचर आपका एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ एक्सेप्टेबल सिग्नेचर दिया गया है दोस्तों जो गहरे रंग का, देखिए यहाँ ब्लू में है, गहरे रंग का है, क्लियर दिखाई दे रहा है तो ये एक्सेप्ट होगा, और ब्लैक पेन का भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्सेप्ट होगा,
और रेड कलर का है रिजेक्ट होगा, और इस तरह से अगर सिग्नेचर आप करते हैं सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, और इस प्रकार कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिएगा तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा आपको सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।